स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 29 मई है ना मम्मी? यस। और देखिए तीनों भाई बहन में सबसे पहले उठ के नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ मैं, और मम्मी मेरे लिए पनीर फ्राई कर रही हैं और मैं मम्मी के लिए चाय बना रहा हूँ। ऐसा मैं झूठ बोल रहा हूँ, चाय मम्मी बना रही है, लेकिन ऐसा बोलना पड़ता ताकि लगे कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। वो तो करता है मेहनत, ऐसी बात नहीं है। तुमको जैम लगाना है कि बटर लगाना है? छोड़ो ना, कुछ भी ऐसे कच्चा खा लूंगा। देखो मम्मी मेरे नाश्ते का प्लेट तैयार करी थी यहाँ पे, पार लीजिए। मम्मी कौन रखता है ऐसे यार, ऐसे दिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है, वो ऐसे देख के डिफरेंट की याद आ जाती है। ओके क्या हो गया? ओए होए होए, तुम लोगों के लिए यहाँ पे दीदी का एडिटिंग चल रहा है। मम्मी हमारे लिए तो फ्रूट्स काट के ले आई हैं, अनार खीरा तरबूज। वाह, लेकिन सनी की सैलरी का है? नहीं ये सनी का है स्पेशली, मेरे को आता नहीं पापा, मैं बस ऐसे लगा रही हूँ तुक्के पे। दीदी अभी पापा के सर पे पुताई कर रही है जिससे पापा और जवान हो जाएंगे। पापा वो वाला जानवर नहीं होता है जिसके साही बोलते क्या उसको? वैसा लग रहा है आपका बाल। सनी जाके अपना वीडियो एडिट कर लो। अभी शाम के 5 बजने को है, और देखिए जो सनी है उसका वीडियो का एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एकदम धनुषन होके बैठ गया है। उसको चाहिए एडिटिंग एकदम फर्स्ट क्लास वाला, जो कि अभी मेरे को उस लेवल का आता नहीं है, लेकिन उसको चाहिए उसी लेवल का। उसको एडिटिंग आता नहीं खुद, वो हमसे चाहता है कि हम करेंगे, तो हमने भेज दिया कि तू बाहर बैठ, हमको जैसा आता है हम करके दे रहे हैं, ठीक है तो डाल लियो, नहीं तो छोड़ दे। ये देखो भाई इसने क्या कांड किया अभी। मैंने नहीं किया है वो। क्यों भाई, जब पासवर्ड नहीं मालूम तो क्यों ऐसे? अरे भाई मैंने नहीं किया है वो यार। अच्छा, मतलब अभी चार्ज हो रहा था, तेरे हाथ में फोन आया और ऐसे हुआ, तू बोले तूने नहीं किया। बस मैंने एक बार ट्राई किया था, उसके बाद गलत। अच्छा हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ट्राई करने से आईफोन डिसेबल हो जाता है। वाह क्या बात, कसम से मैंने तो बस दो बार किया था। अब अभी तो एक बार हो रहा था, दो बार कैसे? तो कब थोड़े माफ हो जाए इसीलिए बोल रहा था। ओह कांड हो गया, मैंने जल्दबाजी में अपना पुराना वाला पासवर्ड डाल दिया, 5 मिनट के लिए और डिसेबल हो गया आईफोन। अरे नहीं यार, अभी मेरे को एक वीडियो रिकॉर्ड करना था जिसमें मेरे को फोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओह अगर लगातार 3 बार हो गया तो क्या होगा, आईफोन ब्लॉक। अच्छा आईफोन ब्लॉक कैसे हो जाएगा? तो अभी ना मेरे क्लासमेट का फोन आ गया था, और जैसे उसका फोन खड़ा तब तक ना मेरा आईफोन अनब्लॉक हो चुका था, लेकिन मैंने जल्दी जल्दी में दोबारा से गलत पासवर्ड डाल दिया और 15 मिनट के लिए बैन हो गया था मेरा आईफोन। लेकिन अभी ठीक है, अभी जल्दी से इसमें ठीक पासवर्ड डाल देते वरना आधा घंटा के लिए ना ब्लॉक हो जाएगा। बाप रे, देख कितना झूठा इंसान है, बोला 2 बार में आईफोन ब्लॉक करा दिया। मैं 2 बार ही किया था ऐसे, जो सोचना था। अभी मैंने दोबारा से गलत पासवर्ड डाल दिया था लेकिन बच गया। ओहो भाई क्या हो रहा है आज मेरे साथ, 5 बार गलत पासवर्ड डाल दिया अपने फोन का। अरे बच गया लेकिन ब्लॉक नहीं हुआ। और अभी मैं दीदी सनी बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो उसे प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, एकदम सपोर्ट दिखा दीजिएगा भै भै वाला, कि भै भै वाले कम्युनिटी में कितना दम है। आज ना यस यस यार प्लीज करने दो मेरे को आज। यस यस यस, एक पड़ेगा थप्पड़ उसको करने दे। छोड़ना सनी कंटिन्यू। यस 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 सनी, आ जा छोड़, मैं भागूं। यस 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 यस, आज तो बड़ा ही अजीब अजीब चीज हो रहा है। मम्मी ने कपड़ा ड्राई करके निकाल दिया था, मैंने उसको दोबारा ड्राई कर दिया। तू हमेशा ऐसे ही कर रहा है थे? अच्छा यस yes. बाकी और कौन है घर में जो आपका काम कर देगा सारा मेरे अलावा? सनी मैथिली। अच्छा तो अगर सब काम कर ही देता है तो चलो ये करो, बस आ रहा तो सारे कपड़ों को। यार कुछ काम तो तेरे लिए छोड़ देना चाहिए ना। हाँ तो हमारा जो वीडियो था वो रिकॉर्ड हो चुका है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो उसका मैंने थीम ये रखा है कि मैं हर संडे को एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए, जो कि ब्लॉग से हटके होगा। तो आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा और उसको अच्छे से लाइक और कमेंट करिएगा, ठीक है, और शेयर भी। ये रहा ऋषभ, ऋषभ देख सकते हैं जंप कर रहा है ऋषभ। तो अभी समय है थोड़ा मैंगो शेक बनाने का, जो मम्मी का हेल्प कर रहा है। कितना हो गया? 5 हो गया। अब जो भी हुआ ठीक है बेटा। किचन में कोई भी काम होता है ना तो सबसे पहले मेरे को याद किया जाता है, घर में मम्मी याद करती है सबसे ज्यादा। ऋषभ हो गया तैयार, और डाल दो दूध इसमें, थोड़ा सा डलेगा बेटा। तो कल वाले ब्लॉग में ना मैंने जो शायरी सुनाया था तो काफी लोगों ने उसे लाइटली ले लिया, उसका मतलब नहीं समझा, उसको मजाक में ले लिया। दीदी इतना हल्का शायरी नहीं था यार वो, बहुत कौन सी शायरी? अच्छा सुन मैं सुनाता हूँ अभी, अगर आप लोगों ने नहीं सुनाया ना तो अभी सुन लीजिए दोबारा। अर्ज क्या है? इरशाद इरशाद। तिरछी नजरों से ना देखो आशिक दिलगीर को, तिरछी नजरों से ना देखो आशिक दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो करो तीर को।
मतलब ऐसे मत देखो, ऐसे देखो। यस, पकड़ गई ये तो भाई, सही पकड़े हैं। प्रभु देखिए, मेरे प्रभु सो रहे हैं। आपका मैंगो शेक आ गया, पानी पीना आपको? पानी पीना आपको? देखिए मैं फिर से किचन में आ गया हूँ, क्योंकि अभी मम्मी पापा दीदी सनी सब उस रूम में है, और मैं जल्दी से अपने लिए मैगी बना लेता हूँ। और मैं जानबूझ के आटा मैगी बनाऊंगा, जो किसी को पसंद नहीं है, वो मैं अकेले खा जाऊंगा सारा। यहाँ पे हमारा मैगी तैयार हो रहा है, और जैसे कि आज अनाउंसमेंट हुआ था कि दिल्ली में जो है वो लॉकडाउन अब खुलना शुरू हो जाएगा, तो धीरे धीरे करके अनलॉक होगा। तो देखते हैं भाई मार्केट सब कब खुलता है। अनलॉक हो गया जो मार्केट खुलेगा, तो बाल लंबे हो रहे हैं ना, ऊपर से अभी अगर अनलॉक हो भी जाता है तो भी नहीं जा सकते सैलून बाल कटवाने के लिए, है ना। एकदम कुत्ता ऐसा लग रहा है, भारी भारी बाल। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। डॉग को कभी अंडरस्टेट मत करना, हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो वही हमारे घर का रक्षा करता है। भाव काट लेता है कुंडा। अगर कुत्ता लेबर चट निकला तो वो अलग बात, पता चला चोर ने कुत्ते को बिस्किट दिया और चोर के साथ वो चोरी करने चला सारा महंगा महंगा चीज उसको भौंक भौंक के बता दिया उसने। बाबड़ो। तो मम्मी ने भी व्हाइट मैक्रोनी बनाया हमारे लिए, और देखिए सनी ने मेरे को इतना दिया और खुद कितना लेके बैठ गया। ये मेरे को मैगी कभी नहीं देता, इसलिए मैं भी इसके साथ एक प्रसिद्ध शोध लूंगा। क्या बोल दिया मैंने? तो आज मैं खाऊंगा रोटी तेल नमक, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत दिन के बाद मन किया आज खाने का। आप लोग कमेंट बताएगा कि आप लोग में से कितने लोगों ने खाया हुआ है ये, और आपको पसंद है कि नहीं। सनी आज फिर पापा का बाल काट रहा है। तो अभी खाना पीना तो अभी मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। कुत्ता रे, सनी को इग्नोर करो, सनी को इग्नोर करो, ठीक है। अभी मेरा खाना पीना हो चुका है, और अभी काट लिया रे कुत्ता, काट लिया किसको? तेरे को। तो मेरा देखिए बाल बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो आज मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी थोड़ा चोटी बांध दो मेरे को, क्योंकि मम्मी ने लास्ट लॉकडाउन में मेरा चोटी बनाया था, बस थोड़ी देर में 5 मिनट खिले फिर मेरा सर दर्द होने लगा, तो मैंने खोल के हटा दिया वो। अच्छा, तो आज 1 साल बाद फिर बनाएंगे। यस रबर नहीं, मम्मी ले आओ ना प्लीज, इसका बाल खराब हो जाएगा। मैं 1000 बार बोल रही हूँ कि ये लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, मैं फिर भी कर लेती हूँ। अब पक्का लास्ट है, अब मैं नहीं करूँगी तेरे लिए। तन्ना दे हनी को, क्या करती हूँ हीरोइन लग रहे हनी। प्रभु देखिए इसको, पापा कैसा लग रहा हूँ मैं? अबे कैसा नहीं, आप कैसी बोल ना, चोटी बन तो गई। हनी ये बता ना, देखो मैं लेंथ थोड़ा सा छोटा करूंगी, लाइट में सचिन पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा दीदी मेरा भाई कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रही हो हनी, हीरोइन लग रही हो, छू मेरे को लग रही है, उसका तारीफ उसका कर रही है। हनी छुई हुई लग रहा है, छुई हुई। अरे तेरे सर के पर वो पिक्चर नहीं देखा जिसपे अगरबत्ती नहीं खोजते? हनी तो नौटंकी बात लग रहा है सच्ची में। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए मैं कैसा लग रहा हूँ, तो अगर आप बोलेंगे ना तो मैं ये हेयर स्टाइल रख लूंगा ऐसा। अरे मैं दिखा दो कैसा दिख रहा हूँ, देखो कैमरा में दिखा अपने आपको। हाय छी, कितना गंदा दिख रहा हूँ मैं, जैसे मेरे चूहा का स्पाइक पड़ गया ऐसा लग रहा है। तो ना ये बड़ा गंदा है, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। सनी खोल दे यार, बड़ा गंदा लग रहा हूँ मैं। अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई मेरा, सही बता देखो, मैं बड़ा ही बदतमीज लड़का लग रहा हूँ इसमें। बदतमीज लड़का? हाँ कोई बात नहीं, शायद मेरा संग दी पर गया थे। हाँ ये तो है, तो मैं अब ऐसे रखूंगा ताकि मेरा सर दिखेगा ही नहीं। तो देखिए अभी रात के ना करीब 1 बज रहे हैं, तो व्लॉग एंडिंग करने का समय हो गया है। तो जैसा कि हमारा प्रथा है, आज भी मैं एक शेर सुनाऊंगा, और मेरे जो शेर होते हैं उसे कृपया फनी वे में ना ले, उसकी गहराइयों को समझे। ओह ठीक है सनी, तो अर्ज किया है। यस इरशाद इरशाद, अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है। ओह हाँ बाप रे, गम हो गया। अगर वो पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ये मैंने आपके लिए बनाई है हेयर स्टाइल। आप सभी से मिलते हैं कल ठीक 8 बजे, तब तक के लिए हम दोनों भाई भाई की ओर से खत्म, टाटा और बाय 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 आहा बाय बाय आ रे गहराई।